अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ के टिप्स यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन ज़बरदस्त नुस्खे के बारे में। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज़बरदस्त है और लाजवाब है, और बेशुमार इसके फ़वाद हैं। और बहुत लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और मैंने भी अपने काफ़ी दोस्तों को इस्तेमाल कराया है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक मरतबा अपने आपके यहाँ पर जहाँ पंसार की दुकान जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ से ये तमाम की तमाम दवा ला करके कूट पीस कर बारीक पाउडर बना करके घर पर ही सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके अंदर ज़बरदस्त ताकत पैदा हो जाएगी, आपके अंदर जोश पैदा होगा, रुकावट पैदा होगी, इसी के साथ साथ पीलिया गाढ़ा होगा, पीलिया के अंदर शुक्राणु पैदा होंगे, नसों के अंदर पट्ठों के अंदर ताकत पैदा होगी, दिल दिमाग के अंदर कुव्वत पैदा होगी, और इसी तरह से जो घबराहट बेचैनी हो जाती है वो ख़त्म होगी। बीवी के पास जाते ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं या टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों तमाम की तमाम समस्या आज आपकी दूर होने वाली है। शादी से पहले या शादी के बाद की जो कमज़ोरी हुआ करती हैं दोस्तों, इस नुस्खे के इस्तेमाल से तमाम की तमाम कमज़ोरियाँ दूर होने वाली हैं। चाहे आपने जितना भी हाथ का गलत इस्तेमाल किया हो या जितने भी आपने बुराइयाँ या आपने गलत काम किए हो जिसकी वजह से आपका नफ्स टेढ़ा पतला सुखड़ गया है, छोटा हो गया है, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है, तो दोस्तों उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, इस नुस्खे को अपने पास महफूज रखें, अपने यार दोस्तों को भी इस्तेमाल कराएं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, नुस्खा क्या है, नुस्खा के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका नाम है अक्कर करहा आदि चूर्ण। हाँ दोस्तों, अक्कर करहा आदि चूर्ण आयुर्वेदिक नुस्खा है। हाँ दोस्तों, अक्कर करहा, सौंठ, दालचीनी, केसर कश्मीरी, जायफल, लौंग, संदल सायदा सफ़ेद, और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको लेनी है, बहुत ही मगज़ फंदक उटंगन, ये दो चीज़ें और लेनी है आपको। और इन तमाम चीज़ों को आप कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लें, कप्पड़ छान कर लें। जब ये आपका बिल्कुल बारीक हो जाए उसके बाद दोस्तों, अब आपको इस्तेमाल करना कैसे है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका नहायत ही आसान है। दूध लेना है एक गिलास, उसके अंदर एक चम्मच शहद डालना है, उसके बाद में आपको जो है एक चने के बराबर में, एक चने के बराबर ये दवा लेनी है, एक चने के बराबर, और एक चने के बराबर सुबह, एक चने के बराबर शाम इस्तेमाल करें। इंतहाई ताकतवर और जोश और ताकत पैदा करने वाली दवा तैयार हो जाएगी, सिर्फ एक चने के बराबर, यानी इतनी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी है। इसके इस्तेमाल से जब आप 10-15 दिन इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं, जो ब्लॉक नसें हैं, वो खुलने शुरू हो जाएंगी, और आपके अंदर जो है जोश और तनाव आने लगेगा, पेनिस के अंदर इरेक्शन पैदा होने लगेगा, और जब आप अपने लाइफ पार्टनर के पास जाएंगे तो आप इरेक्शन की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। एक मरतबा फारिग होने के बाद में दोबारा स्टैंडिंग होने में टाइम नहीं लगेगा, बल्कि बहुत जल्दी आपका जो है स्टैंडिंग पावर आ जाएगी, और उसके साथ साथ आप अपने लाइफ पार्टनर को एक ही रात में 2-3 मरतबा संतुष्ट कर सकते हो, यानी आप पीछे बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हो। जिन लोगों की 2 शादी हैं हो चुकी हैं उनके लिए तो बेनज़ीर तोहफा है और ख़ास तोहफा है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप से ही आज इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इसका बेनिफिट और इसका रिज़ल्ट हासिल करें। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, घर पर बनने वाली हैं। एक चने के बराबर सुबह इस्तेमाल करनी है, एक चने के बराबर शाम इस्तेमाल करनी है। वीर्य की पैदावार भी बढ़ाएगा, वीर्य को ताकतवर बनाएगा, वीर्य के अंदर शुक्राणु पैदा करेगा, जोश पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा, इसके साथ साथ इरेक्शन पैदा करेगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, एक मतलब ज़रूर ट्राई करें और इसका फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों, ये थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।